श्री वासुदेव विमलामृत धाम वासम नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयम् त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव वृत्त्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणम् त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगगयुक्तिभाजं त्वं भक्ति सेजान स्वामी महाराज की जय। बापू जीवाखाचर के प्रसंग हम पढ़ रहे थे। भगवान स्वामीनारायण भाग त्रण पेज नंबर 594। ये दो भाइयों के बीच चाचा भतीजा जैसी बात, एक्चुअली तो दो भाइयों के बीच एबल खाचर और जीवा खाचर दो भाइये थे। इनके ये लड़का था दादा खाचर। एबल खाचर जल्दी धाम में चले गए, जीवा खाचर ने उसकी जायदाद हड़प करने के लिए कह दो महाराज के दादा खाचर के प्रति अधिक लगाव से जलन के कारण कह दो ईर्ष्या, अपना कितना बिगाड़ देते हैं। ये प्रसंग से पता लगता है। मैं क्या कहता हूँ, इसमें जीवा खाचर की प्रति हमें कोई हल्के भाव, ये बात को कोई ज़्यादा न ले, पर हमारे जीवन में ऐसा ना बने, हाँ इसका खूब ध्यान रखे, इसलिए ये पढ़ना है। हाँ क्योंकि आखिर में उसको पछताना ही है, ये भी इसके अंदर आएगा। जीवा खाचरनी अपूर्व सेवा, देखो सेवा कैसी करी थी महाराज ने, आखिर तक इसको याद रखी। आषाढ़ उतरियो अने श्रावण बैठो, आषाढ़ उतरा और श्रावण बैठा, मतलब बारिश की सीजन चालू हो गई। फिर नीचे सीधा से शुरू कर दिया है, वो ब्रैकेट पे क्रॉस करके नीचे लाइनें बताई है। हाँ 33-35 मानो सावन आया तो बारिश चालू हो गई, और उस समय खूब बारिश गिरी थी। ये जब प्रसंग हुआ तब, और गांव था, महाराज दादा खाचर तथा पार्षदों साथे गढ़पुरनी सीमा फरता फरता बापू जीवा खाचर ना दरबार में पधारया। शाम को महाराज भक्तों को लेकर घेला के नदी के किनारे घूमते हुए जाते होंगे, फिर के चलो वापस जाते हुए हाँ हम बापू जीवा खाचर की बड़ी दिल्ली पे होते आवे, और वहाँ गए। हाँ वैसे रहते थे एबल खाचर के यहाँ। हाँ महाराज ने कैसा एक परिवार जैसा वहाँ इकट्ठा कर लिया था। बाकी तो जनरली ऐसे संत होवे वो आवे किसी को पूछ के ही जावे कि भाई पदरामनी पे जाना है, महाराज को पदरामनी वगैरह ऐसा कुछ नहीं,
बस अपने भक्तों के यहाँ ऐसे चले जाओ। अहीं आवी नाजा जोगियाए कहूँ आजे रात अहीं रहू छे। नाजा जोगियाए नहीं, नाजा जोगिया ने कहूँ। हाँ सॉरी, क्या पढ़ता है कुछ समझ नहीं आती है। अहीं आवी नाजा जोगिया ने कहूँ, हाँ अपने सेवक को कहा आजे रात अहीं रहू छे। आज रात को यहीं ठहरेंगे। हाँ, जैसे हम नहीं सिंगापुर गए थे, सच में मेरा मन ये किसके यहाँ गए थे, ज्योत, हाँ ज्योत से कोई जुड़े हुए भगत मवानी करके हैं, हाँ अमित मवानी के यहाँ, मुझे हुआ कि यार हम कपड़े लेके नहीं आए, वरना आज रात को यहीं रुक जाते। हाँ, आजे रात अहीं रहू छे। हाँ, तो ते प्रमाणे तैयारियों करी नाखो। इसके मुताबिक मेरे कपड़े शपड़े मंगा लो, पूजा वगैरह सब पत्थर मंगा लो। तरत ज नाजा जोगिया दादा खाचरना दरबार में महाराजना वस्त्रों वासणों वगैरह लेवा गया। अन्य पार्षद का बर्तन कपड़े शपड़े सब लेने सेवक लोग तो चले गए। अन्य पार्षदों बापू जीवा खाचरना दरबार में महाराज जहाँ उतरता, महाराज वहाँ जीवा खाचर के दरबार में अक्सर अमूलाबा के रूम में रुकते थे। जब महाराज रुके वो लोग रूम खाली करके चले जाते, इसलिए पार्षदों को भी पता था, क्योंकि भाई लेडीज़ को खाली करो, आज महाराज यहाँ रात को रुकने वाले हैं। ते ओरडा में बड़ी व्यवस्था करी दी थी, और सारा ताम जाम चारपाई वगैरह महाराज को जैसी चाहिए होती होगी वैसे सेट कर दिया। महाराज त्यां पधार्या। हाँ, मोड़ी रात सुधी कथा वार्ता करी। हाँ, देर रात तक कथा वार्ता करी। हाँ, पछी सौने कथा वार्ता में कौन कौन होंगे ज्यादा गांव के भगत और स्थानिक एबल खाचर दादा खाचर का परिवार। हाँ, पछी सौने पोत पोता ने उतारे जवानी आज्ञा करी। बोलो आप अपने अपने उतारे पे। महाराज को पूछना पड़ा होगा कि जाने का क्या लोगे। हाँ, बरसात धीमो धीमो पड़तो हतो, बारिश आनी शुरू हो गई थी। महाराज पोड़वा गया, महाराज सोने गए, परंतु पोड़वा गुजराती शब्द है। हाँ, आप लोगों को पता होता है, नहीं होगा पोड़वा। परंतु एकाएक जीवा खाचर ने बोलाव्या। अचानक महाराज ने बोलाया जीवा खाचर को कि मुझे फ्रेश होने जाना है, वह वहाँ बारिश गिर रही थी। हाँ, जीवा खाचर आव्या। महाराजे तेमने कहूँ बापू दिशाए जवू छे। दिशा है जो उसे मतलब फ्रेश होने जाना है। हाँ, ते फानस तैयार कराओ। फानुस तैयार करो, उस समय बैटरी या घर में टॉयलेट नहीं होते थे, बाथरूम नहीं होते थे। हाँ, तो नदी पे जाना पड़ेगा के। त्यारे बापूए कहूँ कि बाहर बारिश गिर रही है। महाराज बाहर वरसाद वध्यो छे। हाँ, बढ़ गया है, माटे बाहर वाड़ा में जवानो मांडी वाड़ो। हाँ, ने मारी साथे पधारो। बोलो वहाँ बेले में या नदी के किनारे जाना जमेगा नहीं, मैं ले जाता हूँ चलो के। महाराज तेमनी साथे गया। हाँ, केटला कोरडा में संतो सुता आता। हाँ, कई कमरों के अंदर संत लोग सोए हुए थे, तो इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तो केटलाक ओरडा मां तेमना कुटुंबी जनों सुता हता, दूसरे परिवार सोया हुआ था। तेमने जोयो के एक रसोड़ा मां कोई सुतू नथी। इन्होंने देखा कि किचन के अंदर ही कोई सोया नहीं है, बाकी तो सब रूम पैक हैं। महाराज अहीं आज चूल्हा ऊपर बैसो। बोलो ये चूल्हे के ऊपर आप अपनी विधि कर लो। महाराज के इसके ऊपर। हाँ,
यहाँ तो खाना बनता है। तो महाराज ये कहूँ, आज से 200 साल 250 साल पहले कोई ऐसा नहीं करेगा। कैसा जीवाचार्य के दिल में भी महाराज के प्रति कितना लगाव होगा, भाव होगा। महाराज ये कहूँ, अरे बापू अहीं ते बेसा तू हसे, यहाँ कहीं टॉयलेट के लिए थोड़ा बैठा जाता है क्या, बीजी जगह बताओ, और कोई जगह हो तो बोलो। तो क्या नहीं महाराज, सब जगह बंद है, सब जगह पे सब सोए हुए, ये एक खाली है। जीवा खाचरे कहूँ, महाराज अत्यारे बीजे क्या ही जवाय थे वो नथी। हाँ, और कोई जगह पे जा पाए ऐसा है नहीं, बाहर बारिश भी बहुत है, अंदर और कोई जगह है नहीं। अने बार बरसात एक धारो मंडियो छे। हाँ, माटे आप बेसो ने अमो पछी साफ करीने गोमूत्र अने गायना छाणती लिपी, आप अपनी विधि निपटा दो, बाद में ये चूल्हे को गाय के मूत्र और छान गोबर से एकदम साफ कर देंगे। बोला जाता है कि गाय मूत्र होता है जगह को पवित्र कर देता है। एम कहीने महाराज ने तेमने हाथ पकड़ी त्यां बेसारी दीदा। हाँ, महाराज को चूल्हे के ऊपर चढ़ा ही दिए, बैठ जाओगे। हाँ, पोते कमाड़वासी बाहर उभा रहा। हाँ, महाराज ना सेवकों पण बाहर उभा हता। हाँ, महाराज दिशाए जईने आव्या, हाथ धोता धोता। हाँ, फिर महाराज दिश फ्रेश होके आए, उस समय टेप नहीं थे, लोटे से पानी डाल के हाथ धुलवा रहे थे, तो महाराज भी खुश हो गए एकदम और बोले, हाथ धोता धोता बोलिया, महाराज बोले, बापू जगत में कोई थी न थाय एवं आपे आजे करियू छे। बोलो, बाहर ऐसा कोई करेगा नहीं किसी के लिए, ऐसा तुमने कर दिया, बेमिसाल काम कर दिया। हाँ, अरे महाराज आप पुरुषोत्तम नारायण। ओहो महाराज, आप तो भगवान हो। आपने आपके लिए तो सारा चीज घुमा फिरा के खत्म कर दे तब भी हर जानी है। आपनी चरण रचती अमारु आ रांधणियों पावन थी गई। हाँ, बोलो, आपके असल में तो चरण पड़े ये विधि हुई, हम तो ये मान देंगे इससे पवित्र हो गया। मेघ राजाए मेहर करी कि आओ समो मड़ी गए, उसे पॉजिटिव लिया कि अच्छा हुआ बारिश आई तब ये हो पाया, नहीं तो ये चांद समय मिलता नहीं। महाराज ने स्नान करवो हतु। हाँ, महाराज को स्नान करना था, फिर फ्रेश हो के आवे फिर के स्नान कर लेते, तो वहाँ तो सारे पेड़ वगैरह गीले हो गए थे, लकड़ियाँ गीली हो गई थी, कुछ था ही नहीं कि जिससे चूल्हा चला, गैस नहीं था, इलेक्ट्रिक गेजर नहीं थे। हाँ, वाड़ा मां लाकड़ा छाणा बदाज वर्षाती पलड़ी गया था। हाँ, गोबर के जो होते हैं वो लकड़ियाँ सब गीली हो गई थी, चूल्हा जल पाया ऐसा था ही नहीं जिस पे पानी गर्म कर दे। जीवा खाचरे तेमना ओरडा मां तेमने सुवानो रंगीन ढोलियो हतो। वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, हाँ संखेड़ा, कलरफुल आता है ना डिज़ाइन वाला, अपने ये अंकल ने झूला दिया था। हाँ, ऐसा तखत था, चारपाई थी। महाराज की ठहरो, मैं इंतज़ाम करता हूँ, लकड़ी है, वो चारपाई ले आए या काट दो। महाराज के अपनी, अरे महाराज आपके लिए क्या नहीं हो सकता है। हाँ, रंगीन ढोलियो हतो ते बाहर कढ़ायो, वो निकलवाया, अने कुहाड़ी लई पोते तीनी ईसो फाड़वा लाग्या। हाँ, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए जलाने के लिए। महाराज कैसे टुकड़े करे पता है, आत्मन को पता है। महाराजे आ जोई कहूँ, बापू आ शू करो छो। महाराज ने कहा, ये अरे के इस आपके काम में आवे वही तो जरूरत होती है। हाँ, आओ रंगीन ढोलियों
महाराज आ रंगीन ढोलियो आजे आपना उपयोग में आ भी गयो। हाँ बोलो, ये आपके काम में आ गया, इससे बढ़कर क्या चीज होती है? आपके लिए क्या नहीं कर सकते के? जीवाचर को महाराज के प्रति भाव नहीं था, ऐसा नहीं था, लगाव जरूर था, पर दादा खाचर के साथ की ईर्ष्या। मैं कहता हूँ आप लोग सब ये प्रसंग पढ़ कर के खूब सावध रहो। भक्तों आरस परस एक दूसरों की बराबरी करे ही नहीं। एक बात खूब समझो, अगर हमें लगता है कि ये स्वामी या ये महाराज इसको बहुत प्यार करते हैं, आप देख लेना वो तुम्हें जो प्यार देते हैं उसमें कभी कमी नहीं होगी। भले उसको ज़्यादा मिलता होगा कुछ भी, उसको ज़्यादा देने के कारण तुम्हारे प्रति जो उसका लगाव है उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। पर हमें जेलस होते हैं, जैसे किसी के घर पे ज़्यादा समृद्धि होवे दो भाइयों के बीच में, एक को जलन रहेगी रहेगी। तो दो भाई जो होते हैं वो तो खूब 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 सावधान रहे कि ये धंधा कभी ना करे। देखो आज मैंने किसको बात भी करी थी, परिमल और शैलेश जोड़ की बात चलती थी, मुझे पूछने आए थे कि स्वामी हमारी जोड़, तुम्हारी जोड़, तुम दोनों भाई जो है वो ऐसा ही मुझे बराबर याद। सालों पहले एनजी पटेल के घर अहमदाबाद में समीर और भाविन मुझे पूछने आए थे कि हमारी जोड़। मैंने कहा लो दोनों सत्संगी हो, एक दूसरों के जोड़। लेकिन एक बात खूब ध्यान रखना, हम अपने मन माने ढंग से कुछ भी कठिन से कठिन काम कर लेंगे, लेकिन साधु जो कहेगा वहाँ जरूर दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर हम अपना मन, अपना लोभ, अपना लोक, अपनी वृत्ति, अपना स्वभाव, अपना अहम छोड़ेंगे तभी वो आज्ञा का पालन कर पाएंगे। आज वरसाद वरस्यो तो बावड़ियानू ने छाणानू प्रारब्ध अमारा आ ढोलिया ने मिली गया। हाँ ये बारिश गिरा दो चोच सेवा, ये पैर कर लेता, उसकी लकड़ियाँ कर लेती, हमारी लकड़ियाँ कर लेती, उसका लाभ ये चारपाई को मिल गया। महाराजे स्नान करता करता भगू जी ने कहूँ, हाँ देख फिर वो इधर उधर गए होंगे। हाँ तो महाराज ने सेवक को कहा, बापू जीवा खाचर नी भक्ति नो रंग जोयो ने। हाँ बोला भक्ति कैसी है देखी ना तुमने जीवा खाचर की, कोई चीज प्यारी नहीं रखते लेकिन अपने स्वभाव प्यारा रह जाता है। हठ मान और ईर्ष्या स्वभाव है। हाँ ये चीज ऐसी है ना कि अपने आप को भी जस्टिफाई करेंगे, मैं कर रहा हूँ ठीक ही है, क्या गलत है? काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, वो अपना दोष हमारी समझ में भी आएगा कि यह गलत है। हठ मान और ईर्ष्या, कोई चीज़ के लिए अगर हम अड़ जाए तो कि मैं गलत क्या आ रहा हूँ, ये ऐसा करता है तो बराबर ही मैं कर रहा हूँ। पर अगर स्वामी कहते हैं कि छोड़ दो तब तो समझ जाना चाहिए। हाँ महाराज आओ तो कोई थी न था। हाँ वो भगूजी ने भी कहा कि हाँ महाराज आज मैंने देखा जो समर्पण ये जीवा खाचर ने करा, जिस ढंग से वो सेवा करी वो और कोई नहीं कर सकता। हाँ आवी भक्ति आओ प्रेम होए तो पछी बीजा साधन करवा ना पड़े। देखो ये बात भी है, कहूँ ऐसी भक्ति ऐसा प्रेम हो तो भगवान की मूर्ति सिद्ध करने के लिए यानी भगवान का सुख लेने के लिए अक्षरधाम की प्राप्ति के लिए और कोई साधन करने ही नहीं पड़े।
देखो एक बार काका जी आने वाले थे, हम डालिया के यहाँ गए थे, हाँ, और उस समय तो ऐसी मंदिर में कोई चीज़ें वगैरह होती नहीं थी, हाँ, एक पलंग था लेकिन गद्दा नहीं बनाया था, तो हमने कहा कि इनके यहाँ गद्दा अच्छा लगा, तो मैंने डालिया को कहा कि ये गद्दा हम ले जा रहे फिर वापस भेज देंगे, पर माप देखा तो ये काका जी का तन जो तकत था उससे वो बड़ा था, ऐसा कुछ था ना, हाँ, पर डालिया मेरे को वो ध्यान में नहीं आया, डालिया ने नया का नया गद्दा कट करके भिजवा दिया। देखो ऐसी बड़ी सेवा हो जाती है, तक की मौके की। पण दादा प्रत्ये ईर्ष्या छे, देखा जो तेथी सोनानी थाळी मां लोढ़ानी मेक जेम तेमनी भक्ति वरवी देखाय छे। हाँ, कैसे देखा थी? वरवी वरवी देखाय छे। बोलो दादा खाचर के साथ लेकिन इसकी जो एक ईर्ष्या है, बरोबरी का भाव है, उसके कारण ये भक्ति शोभा नहीं देती, छोटी लगती है। हाँ, दादा जेवा परम भक्तों नो द्रोह, ते तो अमारो द्रोह कर्या बराबर। महाराज ने कहा, भगुजी ने तो तारीफ करी, हाँ, दादा जैसे भगत का द्रोह करना, भले वो भतीजा है लेकिन है तो भगत, हाँ, वो हमारा द्रोह करने बराबर है। महाराज शरीर लूचता लूचता बोलिया, हाँ, इतना माँ बापू आवी गया। हाँ, ये बात करते थे, इतने में बापू अंदर आए, सब बातें बंद कर दी महाराज। हाँ, महाराजे तेमनो हाथ पकड़ियो अने तेमनी साथे सुवाना ओरडा माँ पधारे। हाँ, महाराजे वस्त्र पहरता पहरता कहूँ, हाँ, बापू भगवान ने माटे जे कहीं करियो होए, ते भगवान कोई दिवस भूलता नहीं, नहीं। भगवान के लिए अभी एक स्वामी की नहीं पहले बातें पड़ी थी कि भगवान के लिए हम जो कुछ भी किया होता है, कुछ थोड़ा सा भी किया होते, लेकिन ये भगवान भूले ऐसे है नहीं। हाँ, पण देश काले अपना आ भाव में फेर ना पड़े, हाँ, तेवु जान पणु अखंड राखो। हाँ, लेकिन एक बस खाओ, सावधान रहो, हाँ, कि कैसे भी संजोग बने, भगवान के साथ का हमारा ये संबंध बना है उसमें फर्क ना पड़े। हाँ, इसी वाक्य को अलग ढंग से हमने वहाँ लिखा था, कोई भी व्यक्ति पदार्थ प्रसंग, हाँ, प्रभु के साथ के संबंध में हावी ना हो जाए, हमारा स्वभाव भी हावी ना हो, हमारा अहम भी हावी ना, कोई व्यक्ति के कारण ये सारी घटनाएं बनती हो, नहीं। पहले हमारे काका जी जो कहें वो सूरत भाव, बोलो तुम विचार करो, जब ये मंदिर में तो कुछ था ही नहीं, तब मैंने, अरे मुझे काका जी ने कहा था, तब उत्तम स्वामी जी यहाँ थे, रहते थे, हाँ, मुझे काका जी ने कहा कि उत्तम स्वामी मंदिर में से लाख रुपये की कोई, उस समय लाख रुपया क्या, 500 रुपये की कोई चीज़ थी नहीं, पर तब क्या लाख रुपये की कोई चीज़ मांगे आप दे देना, सूरत भाव टूटने नहीं देना। देखो ये सूरत भाव अपनी नींव है, और सत्संग में है तो परिवार में तो रखनी ही चाहिए। बापू काई समझा नहीं, बापू उस समय कुछ समझे नहीं। हाँ 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 हाँ, बीजे दिवसे दादा खाचर ना दरबार में महाराज पधार्या। हाँ, दूसरे दिन दादा खाचर के दरबार में, अब दादा खाचर का दिल देखना, हाँ, दादा खाचर नहीं समझते थे ऐसा तो नहीं था, हाँ, क्यों कि सारी जिंदगी जीवा खाचर ने दादा खाचर के हर एक काम में पंगे डाले, कोई काम छोड़ा नहीं था। हाँ, इवन वो बड़ा था, उसकी पहुंच भावनगर राजा तक थी, तो दादा खाचर का कोई काम हो तो वहाँ जो के राजा का कान ऐसे भर दे,
કે દાદા ખાતર કા કામ ઉલટા હો જાય તો મહારાજ હર ટાઈમ કિસી ના કિસી તરહ ઇસકો પાર ઉતારતે દાદા ખાચર જીવુબા લાડુબા પાંચુબા બધી બહેનોને બોલાવ્યા હા રાત કો જા કરકે બોલાયા કે દેખો જીવા ખાચર કા ભાવ દેખો હા મહારાજ મહારાજ કો ચકાસણી કરની હોગી કે ઇનકે મન મેં ક્યા હૈ દેખો તો સહી હા મહારાજે તેમને કહ્યું બાપુ જીવા ખાચરની ભક્તિનો રંગ કાલે રાત્રે અમે જોયો બતાયા કે જીવા ખાચર કી ભક્તિ કૈસી હૈ રાત કો અમને દેખા કે એમ કહીને મહારાજે બધી વાત કરી ગુજરાતી મેં કહેતે ને માંડીને બધી વાત કરી ડિટેલ મેં હા ત્યારે જીવુબાએ કહ્યું મહારાજ આપની એમના ઉપર દ્રષ્ટિ પડી ગઈ છે તેથી બાપુનું અંતર ફરી ગયું છે પણ પછી અમે એમને કહ્યું કે દેશકાળે આવો ને આવો ભાવ રહે કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા જીવુબાને તો વાત કરી કે મહારાજ આપકી રહેમ હો ગઈ હૈ બાપુ કી દિલ બદલ ગયા હૈ મારને કહા પણ યે દિલ એસા બના રહેના ચાહીએ આગે જાકે કોઈ કારણ છે કોઈ વજહ સે અલગ ઢંગ કા ના હો જાવે પરેશાન કરને કી ભાવના વાલા ના પ્રગટે યહી ભાવ હંમેશા રહેના ચાહીએ કે હા કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષા કિસી કે પ્રતિ ઈર્ષા એવા ભાવ અંતરમાં ના આવે એવું જાણપણું રાખવું હા બોલો સાવધાની રાખવી પડતી હૈ इसलिए मैं कह रहा ना हमारा योग योग ऑफ कॉन्शियसनेस है कॉन्शियस रहना पड़े कि कोई हट के भाव मान के भाव ईर्ष्या का भाव मुझे स्वामी से सत्संग से अलग तो नहीं कर देता हमारी कोई वृत्ति ये तो एकदम क्षुल्लक होती है काम क्रोध लोभ ऐसी वृत्ति अगर जिसको परेशान करती है तो ये समझना કે ઉસે અભી તક સદભાવ ભી નહીં હુઆ ખાલી બોલતે હૈ મંદર આતે હૈ ચપ્પલ ઘિસતે હૈ સદભાવ હોવે તો યે ચીજે પરેશાન કરે હી નહીં યે ચીજે સાધુ સે હમે અલગ કર હી ના જાવે યે તો પૂરા સંબંધ કી બાત હૈ જીવા ખાચર કી સદભાવ તો થાય હા તે સાંભળી દાદા ખાચર બોલ્યા હવે દાદા ખાચરને ક્યાં જવાબ દિયા દેખો મહારાજ બાપુ તો એવા ધર્મી અને સદાવ્રતી છે બાપુ તો એસે ધર્મી ઓર સદાવ્રતી ઇનકો કિસી કે લીએ કોઈ ચીજ દેને કરને મેં બિગાડ દેને મેં કભી મન હિચકતા નહીં વળી આપને વિશે ભક્તિભાવ પણ ખૂબ છે ઉસકો દાદા ખાચર કો वो अलग ढंग की इसकी बिहेव कभी नज़र में ही नहीं ली होगी तभी ये शब्द भीतर से निकले होंगे हाँ कि आपके प्रति की भक्ति ऐसी है हाँ आपके प्रति का जुड़ाव ऐसा है इसलिए कोई चीज़ इसको दूसरी प्यारी रहती नहीं अखंड जानपणु होए तो ज आवी भक्ति थाई नहीं हाँ महाराज ने बोला था ना कि अगर सावधानी रखे और ऐसी भक्ति कंटिन्यू रखे वो तो क्या नहीं महाराज ये होगा सावधानी तभी ये हो पाती होगी देखो उसने पॉजिटिव ही लिया महाराज दादा खाचर ना शब्दों सांभळी हस्या हस्या समझते थे महाराज ने सोचा होगा कि कितना निर्दोष है इसको किसी का दोष नज़र नहीं आता अगर हम निर्दोष होंगे ना तो किसी के दोष हमारी नज़र में नहीं आएंगे हम एक्चुअली दोष से भरे हुए हैं इसलिए हर एक में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है नहीं है सो नज़र भी आता है अगर निर्दोष होंगे भले किसी में कितने ही दोष होंगे ये दादा खाचर की भांति नज़र ही नहीं आएंगे दादा नी वाणी माँ भक्ति हती दादा की ये वाणी में भक्ति थी
એ ભક્તિના રંગથી તેઓ રંગાઈ ગયા હતા. તેમની ભક્તિની એ શોભા હતી. આ પ્રસંગ અહીંયા ગુરુજી પૂરો આગે કા હવે પાંચ નંબર પે હો હા પાંચ નંબર લાઈન આ ગઈ ને હાજી રાતું આવે એટલે ત્યાં પણ હવે પાંચ નંબર મેં 359 કે ઐસા હો યે પ્રસંગ અભી જો સુનેંગે યે ધ્યાન રખના યે ઘટના અપને જીવન મેં પછતાને કી ના બને. જીવા ખાચર નો મંદવાડ આખીર મેં જીવા ખાચર ખૂબ બીમાર હો ગયે થે ઉસકે અંતિમ મંદવાડ અંતિમ બીમારી મંદવાડ યાને બીમારી આ અરસામાં જીવા ખાચર માંદા થયા. ઇસી દૌરાન મતલબ તબ કી બાત નહીં કાફી અરસાલો કે બાદ કી બાત જીવા ખાચર બીમાર હુએ જોત જોતામાં મંદવાડ વધી ગયો. દેખતે હી દેખતે બીમારી એકદમ બઢ ગઈ કંટ્રોલ સે બહાર ચલી ગઈ. સગા સંબંધી સૌને લાગ્યું કે બાપુ હવે આ મંદવાડથી ઊભા નહીં થાય. હરેક કો લગા કે એ બીમારી મેં સે બહાર આવે એસા લગતા નહીં હૈ. મંદવાડ અસાધ્ય છે અને દવાની કોઈ કારી ફાવતી નથી. દવાઈ કી કોઈ અસર હોતી નહીં હૈ. અમૂલાબાને થયું કે મહારાજને બોલાવવા. મેં નહીં કહેતા કે અમૂલાબા કો મહારાજ કે પ્રતિ ભલે વો જીવા ખાચર કી લડકી થી ઉસ દરબાર મેં રહેતી થી જ્યાં મહારાજ કે પ્રતિ ઉધર ઉધર કી બાતે હોતી ભી રહેતી હોગી કભી દાદા ખાચર કે પ્રતિ ભી એ બાતે હોતી હોગી લેકિન વો ચીજ ઇસે અસર નહીં કરતી થી. વો સમજતી થી કે બાપુ ગલત હૈ. હા બાપુને છેલ્લા દર્શન દેવા પધારે અને બાપુના દુષ્કૃત્યોની માફી આપી તેમની સદગતિ કરે. ઉસકી એસી ભાવનાથી કે મહારાજ બાપુ કી ખબર લેને કે કિસી ભી તરહ યહાં આ જાવે ઉસકો દર્શન અંત સમય પે દે દેવે જો કુછ મારા બાપુને ગડબડ ગડબડ દાદા ખાચર કે સાથ કરી ઉસકી માફી દે દે તો ઇસકા જીવ કા કલ્યાણ હો જાયેગા. તેથી તે મહારાજ પાસે આવ્યા. વો મહારાજ કે પાસ ગઈ. મહારાજને પંચાંગ પ્રણામ કરી પછી હાથ જોડી કહ્યું. મહારાજ કો નીચે ઝુક કરકે ધરતી પે નાક રગડ કે પ્રણામ કિયા ઓર પ્રાર્થના કરી. પ્રભુ બાપુનો મંદવાડ અસાધ્ય છે. હા કે બાપુ બીમારી મેં સે બહાર આવે એસા લગતા નહીં હૈ. હવે છેલ્લી ઘડી બે ઘડી છે. આખી પલ લગતી હૈ તો આપ દર્શન દેવા પધારો. આપ દર્શન દેને પધારો. જો કે મોએ મારે આપને આ કહેવું. હા બોલો કિસ મુંહ સે મેં આપકો યે કહું કે આખીર આખીર મેં તો એકદમ દુશ્મની જેસી બના દી થી. હા જબ તક મુજે ખ્યાલ હૈ વો ઇતને એક્સાઇટ હો ગયે થે કે મહારાજ કો માર લેને માર દાને કે લિયે ભી અરેન્જમેન્ટ રખી થી કત્લ કર દેને કી. એસા હૈ ના કુછ. હા તેની મને ખબર પડતી નથી. હા બોલો મેં કિસ મુસે આપકો યે પ્રાર્થના કરું લેકિન આપ તો અધમ ઉદાહરણ હો ચલો મહારાજ. પણ આપ ભગવાન છો અને આપ જીવના ગુના સામુ જોતા નથી. બોલા હૈ કે ભગવાન જીવ કે ગુને નજર મેં નહીં લેતે. તો બાપુના કર્યા કૃત્યો સામે ન જોતા. બાપુને જો કુછ કરા હૈ ઉસકે સામને ન દેખ કર આપ તેમને દર્શન દેવા પધારો. આપ મારી આપને આ વિનંતી દર્શન દેને. મહારાજ કે ક્યા દર્શન ક્યા ઉસકા તો કલ્યાણ કરના હી પડેગા. સેવા કિતની કરી હૈ ઉસને હમ તો વોહી દેખતે હૈ દેખો મહારાજ યે દેખતે હૈ. મહારાજે તરત જ કહ્યું
અમૂલા, અમે અમારું બિરુદ સદા સાચવીએ જ છીએ. બોલો, હમારા જે કહા હુઆ હૈ ઉસમે કભી ફરક પડતા નહીં હૈ. તારા બાપુએ ભલે દાદા ખાચરનો પેટ ભરીને દ્રોહ કર્યો, દેખો ન કરવાનું બધું જ કર્યું. પાપા જીવા ખાચર બાપુને ભલે હી દાદા ખાચર કા પેટ ભર કે ભરપેટ દ્રોહ કિયા, લેકિન પણ સાથે સાથે અમારી સેવા પણ તેણે ભક્તિભાવથી કરી. અમારી જો સેવા કરીએ ભક્તિભાવ સે કરીએ, ઉસમે યે દો તીન સેવા તો મેં કભી ભૂલી નહીં સકતા. હા, તે સેવાનું ફળ આપવા પણ અમારે આવવું જ. વો સેવા કા ફળ દેને કે લિયે ભી દેખો, થોડા સા ભી કિયા હો ભગવાન ભૂલતે નહીં હૈ. હા, ઓર ઉસકા હમને થોડા કિયા હો ભગવાન ઉસકા મહત ફળ દે દેતે, અક્ષરધામ દે દેંગે. હા, એટલું કહી મહારાજ ઉઠ્યા. ઇતના કહે કરકે દેખો, યે યહાં યહાં ગુણાતીત ભાવ કો ફરક પડ જાતા હૈ. કોઈ હમારા અપમાન કર દે, કોઈ હમારા બિગાડ કર દે, હમ ભૂલ જાયંગે. ઉસકે ઉપર ઉપકાર ભી કરેંગે. હા, લેકિન ઉસકો ભગવાન કી પ્રાપ્તિ કરાવે વો સંત કોઈ અલગ હી ચીજ હોગી. બસ સમજને લાયક બાત હૈ. હા, બે પાર્ષદોને તથા દાદા ખાચરને સાથે લઈને મહારાજ જીવા ખાચરના દરબારમાં પધાર્યા. સાથમાં દાદા ખાચર કો ભી લિયા. હા, કે ચલો તાઉજી કી ખબર દેખને ચલે. હા, પછી આ ગુરુજી કન્ટિન્યુટીમાં જ બીજો પ્રસંગ છે. અમે તમારું કલ્યાણ કરીશું. હા, વાંચવાનું છે. હા, આગળ તક મને ખ્યાલ વાંચ આખીર મેં કરા હોગા યા રહી ગયા હોગા. કુછ કરા નહીં, આખીર તક હૈ. હાજી, મહારાજ સારું ઢોલિયો ઢાળી દીધો. હા, અમૂલાબાને પહેલે સે મહારાજને કહા જાકે તખત બખત તૈયાર કર દીયા બાપુ કે તખત કે પાસ તે ઉપર બિરાજ્યા. પછી જીવા ખાચરને માથે હાથ ફેરવી તેમની આંખમાં આંખ પરોવી બોલ્યા, બાપુ બાપુ ચિંતા ન કરશો, તમારું કલ્યાણ અમે કરશું. હા, ઉસકો કહે આપ ચિંતા નહીં કરના, કે અંતકાલ પે તો ફિર રહેતા હૈ ને કે મેને ઇતની ગડબડ કરી હૈ, મહારાજ કો ધોખા દિયા હુઆ હૈ, દુશ્મની રખી હૈ, મેરા ક્યા હોગા. તો કે ચિંતા નહીં કરના, આપકા કલ્યાણ હી હોને વાલા હૈ. આ સાંભળી બાપુની આંખોમાંથી આંસુની ધારા ચાલી. તેણે હાથ જોડી મહારાજને કહ્યું, મહારાજ મારું કલ્યાણ થાય તેવો હું નથી. બોલો, મેરા કલ્યાણ હોવે કે આપ કરો એસા મેં હું નહીં. હા, ફિર ઉસને સારી અંતકાલ કે ઉપર જો મેઇન પ્રસંગ જ્યાં ઇસને દાદા ખાચર કા બિગાડા થા વો સારી બાતે કરી. કેમ કે આ મંદિર થતા ભાવનગર દરબાર સાથે તકરાર કરાવી તે મેં કરેલ છે. મંદિર મેં ભી રોડે ડાલે છે બંને મેં. હા, ને જાનતે થે કે દાદા ખાચર કે દરબાર મેં મંદિર બન રહા હૈ, પ્રતિષ્ઠા દાદા ખાચર કી બઢ જાયેગી, એટલે વહાં મંદિર હોને હી નહીં દેના હૈ. હા, ને ભાણ ખાચર પાસે તમારા પાળાને ધવરાવ્યા તે પણ મારા કામમાં છે. હા, વળી આ દાદા સાથે પણ મેં અન્યાય કરીને બહુ જ તકરાર કરી છે. બોલો, મેને દાદા ખાચર કે સાથ ભી અન્યાય કરા હૈ. હા, યે સબ મેરા કલ્યાણ હોને હી નહીં દેંગે. હા, માટે હું તો જરાસંગ, શિશુપાળ અને કંસથી પણ જ્યાદા આગો ગયો છું, એટલે મારું કલ્યાણ કેમ કરીને થાય. મેરા કલ્યાણ કૈસે હોગા, મારે આપ ચાહોગે તબ ભી નહીં હોગા. તેમના પરિતાપના આ શબ્દો સાંભળી મહારાજે જીવા ખાચરનો જમણો હાથ પોતાના હાથમાં લીધો અને કોલ આપતા કહ્યું, તમને તમારા કૃત્યોનો પસ્તાવો થયો છે, તેથી જાઓ, અમે તમારું કલ્યાણ કરીશું. બોલો, આપકો આપકે કિયે હુએ કા ભીતર સે પસ્તાવા જો હુઆ હૈ બસ ઇતના હી કાફી હૈ.
हाँ तुम्हारा कल्याण अचूक कर दूंगे। हाँ एम कही ने महाराज एकदम उठ्या। हाँ यूं कह के महाराज उठे। महाराज जैसे गए जीवा खाचर ने शरीर छोड़ दिया। जीवा खाचर देह मुके छे। महाराज उतारे पहुंचा। हाँ त्या समाचार आया कि जीवा खाचरे देह मुकी दी। बापू गए। ते सांभळी महाराजे दादा खाचर ने बोलाव्या, तुम सब पहुंचो स्मशान यात्रा में। अने बापू गांव की शोभा है और हमारा परिवार एक है। देखो जीवा सूरत बहु महाराज सिखा देते। हाँ जीवा खाचरे देह मुकी दीदो छे ते तो एसी पाड़ा साथे लईने तमे आभड़वा माटे जाओ। मन अग्नि संस्कार विधि में आप पहुँचो। आभड़वा माटे में आने के बाद फिर स्नान करना पड़ता है ना। दादा खाचर महाराज ने आज्ञा प्रमाणे पार्षदों ने लईने जीवा खाचर हम लोग तो क्या बोलेंगे। मारे एने ते आवे आपणे जई आवे आवे कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। दादा खाचर का दिल ऐसा नहीं। हाँ जो महाराज कहे वो स्वाविस और ऐसा भी नहीं कि रोष से दिल से। तेना बे गुणों जोई अमे तेना कल्याण कर्या। हाँ महाराज ने बताया। फिर ये जो दो प्रसंग बने थे वो महाराज यहाँ रिपीट करके शॉर्ट पे बताते कि उन ये महाराज दो नहीं बोले तीन बोले थे। हाँ कि महाराज इसके तीन सेवा देख करके ये कल्याण हमने करा है कि ये संबंध बनाए रखा है। हाँ सांजे दरबार में सभा थी। शाम को दरबार में सभा हुई। ते वक्ते महाराजे मुक्तानंद स्वामी ने कहू स्वामी अमे जीवा खाचर ना कल्याण कर्या। हाँ एटले मुक्तानंद स्वामी कहू महाराज आप तो अधम उदाहरण। हाँ अने पतित पावन छो। हाँ तेथी आप तेलू कल्याण करो एमा शू आश्चर्य। हाँ एम क्या नई बात करते हो वो तो आपको करना ही पड़े भगवान हो। पछी महाराजे कहू स्वामी जीवा खाचरना बे गुण जोईने अमे तेना कल्याण कर्या। एटले स्वामीए पूछू तेमना क्या बे गुण कौन इन लोगों ने तो मन में इसमें कोई हमें गुण ही नजर नहीं आए अभी तक। सारी दुश्मनी जिताया करिए कौन से दो गुण। हाँ महाराजे कहू अमने हाथ धोणू थयू हतू। हाँ, टॉयलेट जाना था ना हाथ धोणू याने दस्त हो गया था। हाँ त्यारे जीवा खाचरे घरमा खाड़ो करी आप्यो हतो एटले अमे कहू घरमा खाड़े जवाय नहीं। त्यारे तेमणे कहू महाराज बहार अंधराधार वरसाद वरसे छे तो आप बाहर क्या जशो। बोलो ये जो बारिश पे चूल्हे पे बिठाए वो बात करी। फिर माटे आपने वास्ते तो बधुज कुर्बान छे अने बीजू तेने त्या अमे शेरडी जमता हता। हाँ एक बार गन्ने के टुकड़े खा रहे थे गन्ने। हाँ और मेरी उंगली पे चाकू लग गया खून बहने लगा तो बापू ने एकदम इनका फेंटा उतार के थोड़ी कहना पट्टी काट ली फाड़ दी और पट्टी बांध दी थी। बापू लोग कभी ऐसे करेंगे नहीं अपनी पागड़ी के। वो मुझे बहुत छू गया था के। हाँ और तीसरा ये लकड़ियाँ अपनी कीमती तखत की बना के पानी गर्म कर दिया था। ते सुधारता हमारी आंगड़ी ये छरी वागी। हाँ ने आंगड़ी ये लोही निकलियो। हाँ एटला जीवा खाचरे माथे मेकर बांध्यो हतो तेने छेड़े कसब हतो। हाँ ते फाड़ीने अमारी आंगड़ीए पाटो बांध्यो। हाँ पछी अमे तेमने पूछू कसब केम फाड़ियो। हाँ बोला ये जरी वाला है क्यों फाड़ा के। त्यारे तेने कहू के तमारा ऊपर तो वारी फेरीने बधू नाखी दईए तो जरी वाला कसब की क्या बात करते हो। सब कुछ आपके ऊपर लुटा दे तब भी कम है। हाँ आप बे गुण जानी तेनू कल्याण करी। हाँ
तो देखो सारा ईर्ष्या के कारण चलाया, मछियाओं के फैबाने गवाया हट के कारण, ये ईर्ष्या के कारण। अभी आप तो गुरुजी प्रसन्न पूरो थे, मुझे रत्ना रड़िया नहीं, नहीं वो बात नहीं। एक मैंने तुझे कहा था एक छोटा पैराग्राफ, एक जो एक बात मैं बार बार करता हूँ ना, वो मुझे आज मिला, महाराज ने भी ऐसी बात कर दी। बीजे दिवसे सवारे दरबार में जवानी महाराजे तैयारी करी, सफेद वस्त्र परिधान कर्या। ऐसा था, एक दर्जी था आत्माराम करके, ऊपर आत्माराम ने डगली पेरी महाराज के लिए, उसने डगली बनाई थी, मानो जैकेट, मोदी जैकेट। तो महाराज वो इतनी पसंद आई, पहनते पहनते देखा ही करे कि जैकेट बहुत अच्छा बना है, जैकेट बहुत अच्छा बना है, हाँ इतना अच्छा बनाया था। अब सुनो, पहरता पहरता पण महाराज डगली ने निरखता थाक्या ज नोता। हाँ, पहनते हुए भी वो जैकेट को देखते हुए थकते ही नहीं थे। इतना रूपा भाई महाराज ना वस्त्रों ऊपर अत्तर छाट्यो। इतने में रूपा रूपा भाई है, हाँ महाराज के वो नहीं पस, 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 स्प्रे करा। हाँ महाराजे पूछू आ शू करियो, ये क्या है? ते तो काई बोलिया नहीं। हाँ पण वो कुछ बोले नहीं, कहूँ लेकिन वहाँ राजा भाई थे, उसने कहा महाराज अत्तर छाट्यो। महाराज इत्तर छाटा है, उस समय सेंट नहीं होगा, स्प्रे नहीं बोला जा, स्प्रे तो होगा ही नहीं। हाँ तो इत्तर छाटा है। हमारा रजवाड़ाओं में आ रिवाज हो, हमारे राजलखों के अंदर ये रिवाज होता है। शरीर मद मदे, हाँ शरीर में से खुशबू आने लगे। महाराज महाराज ने बहुत अच्छी बात करी है। महाराज हंसया, महाराज हंसे, तेमणे कहूँ हाँ अंतर गोबरू होए, हाँ भीतर खोखला है, बिगड़ा हुआ, बदियों से भरा हुआ है, हाँ। तेमा विकार होए, हाँ उसके अंदर विकार होते, विकृति होती है अंतर में, ते परसेवा वाटे गंध मार तो वो बाहर परसेवा निकले। के द्वारा वो बदबू बाहर आती है, उसे ढकने के लिए तुम लोग ये लगाते हो। शरीर नी ए दुर्गंध ढाकवा तुम्हारा रजवाड़ाओ आ रीत सारी सीखा छे। हाँ बोलो, ये शरीर की वो दुर्गंध को दबा देने के लिए तुम राजा लोग ये अच्छी तरकीब निकाली है। पण अंतर विकार विनाना चोखा राखो। देखो अंतर विकार विना का, मानो विकृत न हुआ हो, सरल अने और साफ रखो। हाँ अने प्रभु भक्ति थी तेने रंगी दो। हाँ बोल, एक तो साफ रखो, हाँ तो दूसरा सरल रखो बिना विकार का, और प्रभु भक्ति से रंग दो तो तुम्हारे भीतर से ही ऐसी खुशबू आएगी कि ये इत्तर बित्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत समझने लायक बात है, आप लोग ने कई बार देखा होगा ऐसे बड़े संत के पास जाते हैं, हाँ तो गुलाब या मोगरा ऐसी खुशबू इनके शरीर में से अपने आप आती है। हाँ ऐसा हमने काका जी के पास कई बार अनुभव कराए, जोगी महाराज का अनुभव है ऐसा, तो भीतर में अपने आप आने लगती है। तो शरीर माथी अत्तर ने भुलावे तेवी सुगंध, अत्तर को भी भुला दे ऐसी सुगंध आती है। राजा भाई आज सांभळी शरमाई गए। हाँ राजा भाई जो इत्तर की बड़प्पन की बात करी थी ना, वो सुन ये बात सुनकर शर्मा गए। चलो बस।